हे गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल, बाय प्रोफेशन ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं गाइस? मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, उनका नाम जान लेते हैं। क्या नाम है और क्या कॉन्फिडेंस है और कौन सा डेज है? हेलो मैम, गुड इवनिंग। अर्पना नाम है मेरा। ओके, और कौन सा डे है आज आपको? मेरा तो आज 15 डे कंप्लीट हो चुका है। ओके, आज वापस फिर आप 1 आवर का समय ले रही हैं? हाँ। 1 घंटे या 20 किलोमीटर? चलिए स्टार्ट करिए। वापस गाड़ी बंद कर दीजिए। आपने 15 डे सीखा है जी। गाड़ी चलाने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? एक्साइटेड होके मत चलाइए, थोड़ा सीरियस होके चलाइए, समझ रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान दे के चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो फिर इतना वक्त नहीं लगेगा आपको, इसीलिए थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया है। राइट का सिग्नल, फर्स्ट गियर भी नहीं डाला है ना आपने? हाँ। और पहले एक राउंड राइट टर्न करो गाड़ी, बस धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, एकदम धीरे धीरे, बस ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं काटना है। हम लोग यहाँ से चलेंगे खुर्रम नगर से होते हुए मुंशी पुलिया भूतनाथ की तरफ चलेंगे, और बहुत ध्यान से कहाँ पे कितना क्लच लेना है, कहाँ पे कितना ब्रेक लेना है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। मिट जाती गाड़ी अभी, बढ़ाइए, चलो जाओ, छोड़ो धीरे धीरे छोड़ो, लेफ्ट आओ, लेफ्ट। देखिए होता है क्या है ना, जो सिंगल रोड होता है वहाँ पे आपको ड्राइविंग के लिए ना आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। स्कूटी की तरीके से ये नहीं चल, इसमें आपको 50 मीटर बिफोर प्लान करना पड़ेगा, और इसमें माइंड आपका एकदम अलर्ट रहना चाहिए। सेकंडों का खेल होता है पूरा, 1 सेकंड आपकी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। अभी जैसे स्कॉर्पियो आई थी तो आपकी गलती क्या थी? आपने राइट ज़्यादा काट दिया, वापस लेफ्ट लेके स्टीयरिंग नहीं आई। बढ़ा लीजिए स्पीड, जाने दो, क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। हाँ, राइट वाला पैर ब्रेक पे आया आपका? नहीं आया। बढ़ा लीजिए स्पीड, स्लो करके। पासिंग डिपर यूज़ किया करिए, आप पासिंग डिपर नहीं यूज़ करती हैं, राइट रखो, पासिंग डिपर ज़रूर यूज़ किया करिए, सिंगल रोड पे बहुत ज़रूरी होता है पासिंग डिपर, पता है नहीं? पता है, पता है। हाँ, तो वो ज़रूर दिया करिए, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे रिक्शा हो, कुछ भी हो, उससे वो सामने वाला अलर्ट हो जाता है। हाँ, ये देखो, दबाई उसने, गाड़ी साइड करी, देखो इनोवा वाले ने भी दबाई, लेफ्ट आओ हल्का। हाँ, ये बिफोर, बगैर टाइम गंवाए, टाइम 1 सेकंड के लिए बर्बाद नहीं करना है आपको। राइट रखो हल्का, स्लो करो, ई रिक्शे वाले ने बढ़ा दिया, जाओ बढ़ाओ धीरे धीरे, जाओ। सेकंडों में आपके पैर चलने चाहिए, एक्सेलेटर और ब्रेक और क्लच वाला। पैर आपके एकदम सही है? ज़्यादा सीट आगे तो नहीं है? नहीं। बढ़ा लो स्पीड, बढ़ा लो, थर्ड गियर डालिए, गियर को नीचे नहीं देखते मैडम, गियर लगाते टाइम अगर आप गियर देखेंगे और सामने वाले ने अगर ब्रेक मार दिया तब क्या होगा? भिड़ जाएगी। तो गियर के पैटर्न को आप एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि कौन सा गियर किस साइड में जाएगा। हेडलाइट ऑन कर लीजिए एक पॉइंट। हाँ चलो, जितना बिफोर आप प्लान करेंगे, जितना पहले से अलर्ट करेंगे लोगों को, उतना अच्छा आपको स्पेस मिलता जाएगा। अब देखो सामने आई-10 वाला कहाँ आ रहा है, देखा रॉन्ग आ रहा है ना, तो वो आपको पहले 100 मीटर से अब जहाँ आपकी नज़र पड़े वैसे उसको अलर्ट करो सामने वाले को। स्पीड कम, और कई बार अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो दाएं बाएं मत काटो, अगर आपको लग रहा है दाएं बाएं स्पेस नहीं है। जैसे अभी आपने सीधी सीधी रोकी ना,
ऐसे भी सीधी सीधी रोक सकते हो भाई, क्लच लेके ब्रेक लेके गाड़ी सीधी सीधी, अगर आपके लेफ्ट और राइट में जगह नहीं है, अगर स्पेस है तो आप लेफ्ट राइट करके निकाल सकते हो उसको। अब जब ये गाड़ी थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगे ना, तो इसका मतलब ये है कि उसको स्पीड नहीं मिल पा रही है जिस गियर में आप चल रही हैं। हाँ अभी अभी है, अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर गाड़ी वाइब्रेट कर रही है तो आपको लग रहा है कि अगर गाड़ी झटके ले रही है तो इसका मतलब उसको स्पीड नहीं मिल रही, तो गियर ज़्यादा है स्पीड कम है। अभी जैसे आप थर्ड गियर में हो तो अभी तो स्पीड है, अभी 30 चल रहे हो आप, ये मेंटेन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आपको ट्रैफिक लगे वहाँ पे क्लच दबा के सेकंड गियर कर लीजिए, साइकिल वाले को हॉर्न दीजिए। ज़्यादा लेफ्ट नहीं, स्लो कर लो, गियर डाउन कर लो, गियर डाउन करो। क्लच नहीं दबाया आपने इसीलिए गियर नहीं लगा, देखा बिना क्लच के आपने गियर खींचा इसलिए गियर नहीं लग पाया सही से। चलो बढ़ाइए, अब बंद हो गई गाड़ी आपकी क्योंकि आपने फोर्थ गियर डाल दिया, फोर्थ गियर है ये। अब सेकंड में नहीं उठेगी ना, फर्स्ट गियर में उठेगी गाड़ी आपकी। गाड़ी रोकने के बाद हमेशा पहले गियर में उठती है, लेफ्ट चलना है। काटो स्टीयरिंग लेफ्ट, काटो और काटो। मैडम स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाइए, चलो बढ़ाओ जाओ धीरे धीरे। सारा गेम तो स्टीयरिंग का ही है, वहाँ स्कॉर्पियो के पास भी तो आपने यही गलती करी थी ना, स्टीयरिंग ही तो नहीं घुमाई थी, ये पूरी 90 डिग्री से घूम जाती है। बढ़ाइए, और आपका जो लेफ्ट वाला पैर है वो सिर्फ क्लच के लिए है, जैसे कि अभी आपने क्लच के बगैर आप गियर चेंज कर रहे थे, खींच रहे थे, राइट रखो राइट राइट, बस 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 बढ़ा लो। और मुझे लग रहा है सीट आपने बहुत ज़्यादा आगे कर रखी है, एक पॉइंट आपका लगभग मुझे लग रहा है आगे, क्योंकि आपके घुटने एकदम उसमें लड़ रहे हैं, एक बस ज़्यादा कर दिया। नहीं चलते रहो भाई साहब, धक्का मारो जरा, हाँ धक्का मारो सीट पे, धक्का मारो इनकी, हाँ चलो और थोड़ा, बस अब देखो अब दबाओ पूरा क्लच, चलो हाँ अब ठीक है, चलो चलो ठीक है ना। इससे पहले आपकी लगभग 2 इंच 2 कांटे आगे बढ़ी हुई थी सीट, बढ़ा लो स्पीड, डरना नहीं है। आगे से हमें लेफ्ट जाना है, बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ थोड़ा सा, हाँ जाने दो, गुड और बढ़ाओ। मेन रोड से चलना है, रिंग रोड से लेफ्ट दबाओ गाड़ी, हाँ जाने दो, हॉर्न मारो इनको सबको, लेफ्ट रखो लेफ्ट, हाँ बस लेफ्ट आओ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बस धीरे धीरे काटो लेफ्ट काटो, गुड चलो सीधी करो, सीधी नहीं हुई अभी, हाँ ये कितने राउंड आपने काटे उतने राउंड सीधे भी करने हैं, बढ़ा लो स्पीड बढ़ा लो। चलो सेकंड गियर करो, ब्रेक पे पैर आया आपका, नहीं आया था, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो आप कि आया नहीं है, आया था। आपने कहा आया है, नहीं मैं बस पैर उठा ली थी लेकिन, नहीं नहीं गलत बात। देखिए मैम आपको इसीलिए वक्त लगा है, आपके साथ में बाकी जितने लोग सीख रहे थे सभी अपनी गाड़ी चला रहे हैं, मैं लेडीज़ों की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता ये चीज़। थोड़ा सा आप ड्राइविंग को लेकर कुछ वीडियोज़ देख के चीज़ों को जो आप मिस्टेक कर रही हैं ना, ये चीज़ आपको वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप चला बहुत अच्छा रही हैं लेकिन बस आप कंफ्यूज हो जाती हैं कि आपको करना कब क्या चीज़ करना ये भूल जाती हैं, क्योंकि जब आप अपनी कार चलाएंगे ना तो आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आपको खुद से ये सारी चीज़ें करनी होंगी। नज़र हटी दुर्घटना घटी, स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा। अगर आपके सामने अचानक कोई आ जाता है तो आप पहले क्या दबा के गाड़ी को रोकोगे, अगर जैसे कि लेफ्ट का सिग्नल दो, थोड़ा गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और 30+ जाओ फिर थर्ड गियर डालो, 30+ जाओ फिर थर्ड गियर डालो, थर्ड गियर देखो, फिर राइट वाला पैर आपका हवा में है, प्रॉपर ब्रेक पे नहीं आता है आप, फिर आपको जब ब्रेक का अंदाज़ा नहीं होगा तो आप इसीलिए तो ब्रेक टाइम पे आप लगा नहीं पाती हैं। हमने पेन पकड़ने ही नहीं सीखा है और अचानक हमको पेन दे दिया गया है तो हम कहाँ पे पकड़ेंगे उसको, उसका सही पॉइंट तो हमको पता होना चाहिए। अब मिरर चेक करो, आपके पीछे कोई है तो नहीं, लेफ्ट आओ थोड़ा सा और, है तो नहीं कोई पक्का। अब जैसे आपको गाड़ी अचानक रोकनी है, अभी देखो स्कूटी वाला है, और लेफ्ट आओ और थोड़ा लेफ्ट, लेफ्ट आओ स्पीड कम, ठीक है
अब आपको अचानक रुकनी है तो कैसे रोकोगे? अचानक रोक के दिखाओ। हाँ रोको, हाँ ये होती है इमरजेंसी ब्रेक। अब वापस बढ़ाना है तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट गियर। हाँ तो फर्स्ट करिए, गुड। अब सिग्नल राइट का दे दीजिए क्योंकि अब वापस आपको बढ़ाना है, सिग्नल ही नहीं हुआ आपका। आगे से हमें जाना है भूतनाथ की तरफ। अभी से लाइन चेंज करना स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे राइट दबाना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ कभी भी किसी भी गियर में कार को रोका जा सकता है, लेकिन वापस मूव करने के लिए फर्स्ट या सेकंड। अगर डीजल गाड़ी तो आप सेकंड में उठा सकते हो, अगर पेट्रोल गाड़ी तो आप फर्स्ट गियर में। वैसे उठाना हमेशा फर्स्ट में ही चाहिए, चाहे डीजल हो चाहे कोई भी हो। अब यहाँ पे रोक लेना, हल्का राइट दबा के गाड़ी को रोक लेना, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक। हाँ स्टॉप कर लो, हाँ ऐसे झटके से मत रोका करिए। अभी धीरे धीरे बढ़ाना है, जब ट्रैफिक धीरे धीरे निकल जाएगा ना, क्योंकि बी अलर्ट है, लाइट ख़राब हो रखी है, तो चारों तरफ देख के आपको भूतनाथ की तरफ चलना है। चलो धीरे धीरे खिसकाओ, हल्का रेस के साथ। हाँ गुड, जाने दो। हाँ धीरे धीरे राइट काटो, धीरे धीरे चारों तरफ देखते हुए। हाँ गुड, राइट रखो राइट। हाँ रोड राइट रखो राइट, वापस आओ। अब देखो यहाँ गड़बड़ किया आपने, स्टेयरिंग काटने के चक्कर में एक्सीलेटर दबा दिया आप। दबाया नहीं दबाया, बाई मिस्टेक दबा आपसे, आपने जान के थोड़ी दबाया, लेकिन वो दब गया बाइक वाले को बचाने के चक्कर में। हुआ नहीं हुआ, यही एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। वहाँ स्पीड ब्रेकर था तो वहाँ पैर कहाँ होना चाहिए था आपका? राइट वाला ब्रेक पे था, कहाँ पे ब्रेक पे था, कब एक्सीलेटर पर चला गया? मैम अगर ब्रेक पे होता तो ब्रेक दबता ना, वो आप कंफ्यूज रहती हो। मैं बार बार आपको क्यों टोकता हूँ कि ब्रेक पे पैर रखो, क्योंकि आपका पैर आता ही नहीं ब्रेक पे। सेकंड गियर करिए, जैसे आना चाहिए ना प्रॉपर, वैसे नहीं आता है, इसीलिए आप कंफ्यूज रहे। तो आपको लगता है कि मैंने ब्रेक पे रखा, बट वो होता नहीं है ब्रेक पे। डिपर यूज़ करो, चलो निकालो, एक बार बढ़ा लो, स्पीड बढ़ाओ। थोड़ा सा आपको बेसिक समझने की ज़रूरत है, करती है आप सब कुछ है, लेकिन जैसे होता ना कि अपने आप हमको चीज़ों को याद होना चाहिए कि हमें कब क्या करना है। जब मैं गाइड करूँगा आप बहुत अच्छे से चला लेंगी, फिर जब आपको अकेले करना होगा तो आप भूल जाएंगी। थोड़ा सा हल्का सा शीशा उतार लो नीचे, एकदम दम सा घुट रहा है, खिड़की खोल लो थोड़ा, आगे से आगे से। हाँ थोड़ा सा, बस 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 बढ़ा लो। अब हेडलाइट ऑन कर लो पूरी, गुड। जाने दीजिए, नज़र आपकी चारों तरफ रहनी चाहिए। जैसे लेफ्ट में वैगनार खड़ी है, थोड़ा पहले से आपको अपनी गाड़ी राइट दबा लेनी है। बढ़ाओ स्पीड, गुड। जाने दो, जहाँ से हम लोग लेफ्ट चलेंगे इस चौराहे से हमें लेफ्ट जाना है। लेफ्ट टर्न करने से पहले कितना पहले आपको लेफ्ट वाला मिरर चेक करना है? 50 से 100 मीटर पहले ये देखना है कि हमारे बगल से ऐसा तो नहीं है कि सिग्नल देने के बाद भी लोग ओवरटेक करने लगते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कर भी रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं। बढ़ाइए स्पीड, जाने दो। देखो भाई सबको, और ये आप दो तीन बार हॉर्न बजाते हो, इसको एक बार बजाया करो, लॉन्ग हॉर्न। बढ़ाइए स्पीड, सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।